नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में विमल द्विवेदी की अगुवाई में शशिकांत तिवारी सहित देश के लिए शहीद हुए जनपद के सैनिकों को दी गई सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी की अगुवाई में उन्नाव जनपद लाल हुतात्मा शशिकांत तिवारी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित हुए कार्यक्रम में शशिकांत तिवारी सहित देश की सुरक्षा हेतु शहीद हुए अन्य सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद शशिकांत तिवारी की पत्नी अनिता तिवारी व मां सुधा तिवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जितेंद्र जी व विमल द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही विमल द्विवेदी द्वारा जनपद के लगभग 25 पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व ओजस्वी कवियों द्वारा काव्य पाठ प्रमुख रहा। ध्यान रहे, जनपद की बेटी हुतात्मा शशिकांत तिवारी जी, जो कि सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में 18 मार्च 2019 को वीरगति को प्राप्त हुए थे, गत वर्षों में भी हिंदू जागरण मंच विमल द्विवेदी की अगुवाई में एक कार्यक्रम करता रहा है। शहीद शशिकांत तिवारी के परिवार ने इसके लिए मंच का धन्यवाद किया। साथ ही शहीद होने पर जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई घोषणाएं अभी तक लंबित रहने पर दुख व्यक्त किया। उनका आग्रह है कि जिस पार्क में उनका निर्माण की घोषणा शशिकांत तिवारी के नाम पर की गई वो अभी तक अधूरी है। इस मौके पर शहीद के पुत्र देवांश तिवारी, मंच के संयोजक अजय द्विवेदी, वीरांगना प्रमुख उमा शुक्ला, मनीष अवस्थी, विकास सिंह, आलोक शुक्ला, विक्रम द्विवेदी, सुनील भदौरिया, धर्मेंद्र शुक्ला, शिव सेवक त्रिपाठी, शिवम आजाद आदि राष्ट्रभक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।